आजमगढ़ बलरामपुर स्थित नगर कोतवाली क्षेत्र के बैठौली बाईपास मार्ग पर स्थित पगरा मोड़ पर मंगलवार की शाम एक युवक को दो बाइक सवार युवकों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने रेफर कर दिया। घायल युवक का नाम करण यादव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घायल युवक हर्रा की चुंगी मोहल्ला निवासी है और अपने घर से किसी का फोन आने पर बाहर निकला था। बाइक लेकर बैठौली बाईपास मार्ग से पगरा मोड़ पर पहुंचा ही था कि पहले से मौजूद बदमाशों ने उस पर फायर झोंक दिया और मौके से भागने में कामयाब हो गए। गोली करण के सीने में दाई ओर लगी और वह बाइक से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मित्रों के बीच में आपसी मनमुटाव हुआ है और जिसके बाद अमन और रोशन ने करण नाम के लड़के को गोली मारी है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। ये घटना बदरपुर बाईपास की थाना कोतवाली की है। पुलिस के द्वारा इसमें चार टीमें गठित करी गई और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी जाएगी। मुकदमा लिखने की कार्रवाई, तहरीर लेने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। कुछ प्रकरण समझ में आया कि किस मामले ये मित्रों में आपसी मुटाव किसी चीज़ को लेकर हुए, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। सर, इनमें आपराधिक इतिहास भी किस इन तीनों का रहा है? ये तीनों लड़कों का आपराधिक इतिहास है, पुलिस के द्वारा ये पता किया गया और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।